इस पेंडेमिक सिचुएशन के बाद या फिर इस कोरोना वायरस की सिचुएशन के बाद अब मार्केट में लोगों को ऐसा लगने लगा है कि बॉस ऐसा कोई रास्ता ढूंढना पड़ेगा जिससे मैं अपनी टीम में इंश्योरेंस एजेंट्स को इंटरनेट के माध्यम से भी रिक्रूट कर पाऊं। और वो क्यों? ऑब्वियसली क्योंकि लोग हमें मिल नहीं रहे हैं, हमें अपॉइंटमेंट नहीं दे रहे हैं, यहां तक कि हमारे ऑफिस पे आने के लिए भी घबरा रहे हैं। और ऐसी सिचुएशन में एजेंट्स को रिक्रूट करना एब्सोल्युटली इम्पॉसिबल हो चुका है ना? और स्पेशली इंश्योरेंस इंडस्ट्री में वो लोग जो ज्यादा कंप्यूटर सेवी नहीं है या फिर इंटरनेट सेवी नहीं है, उनके लिए तो बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट हो चुकी है ये सिचुएशन। तो इसलिए हमने लॉन्च किया है आस्क रवि मेंटरशिप प्रोग्राम। जी हाँ, आस्क रवि मेंटरशिप प्रोग्राम में हमने 3 मेंटरशिप प्रोग्राम लॉन्च किए हैं। उसमें एक मेंटरशिप प्रोग्राम है जिसका नाम है ऑनलाइन प्रेजेंस। जी हाँ, अगर आपको अपना ऑनलाइन प्रेजेंस बढ़ाना है, यानी आपको इंटरनेट के माध्यम से अपनी टीम में इंश्योरेंस एजेंट्स को रिक्रूट करना है, तो इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में मैं आपको ऐसे कुछ ट्रिक्स, ऐसे कुछ काफी इफेक्टिव स्ट्रेटेजीज शेयर करूंगा जिनको इंप्लीमेंट करने के बाद आप आपकी टीम में काफी प्रोडक्टिव इंश्योरेंस एजेंट्स रिक्रूट कर पाओगे। इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में मैं ब्रॉडली 2 स्ट्रेटेजीज डिस्कस करने वाला हूं। उसमें पहली स्ट्रेटेजी यह है कि अगर आपको इंटरनेट के माध्यम से लीड्स को जनरेट करना है तो आप किस तरह से जनरेट कर सकते हो। अगर आपको अपनी एक खुद की रिक्रूटमेंट वेबसाइट बनानी है तो आप किस तरह से बना सकते हो। इस रिक्रूटमेंट वेबसाइट के माध्यम से आपको डेली बेसिस पे प्रोडक्टिव लीड्स किस तरह से मिल सकते हैं, उसके बारे में डिस्कस करने वाला हूं। और दूसरी, इंटरनेट पे ये जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है ना, यानी फेसबुक, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, इन सारे प्लेटफॉर्म्स को किस तरह से यूज किया जाए, इन प्लेटफॉर्म्स पे अपना कंटेंट अपलोड करके किस तरह से प्रोडक्टिव लीड्स को जनरेट किया जाए, इन लीड्स को किस तरह से इन्फ्लुएंस किया जाए और इनको किस तरह से अपनी टीम में रिक्रूट किया जाए, इसके बारे में मैं बात करने वाला हूं। और हाँ, मैं इसके बारे में भी बात करने वाला हूं कि अगर आपको फेसबुक पे एड रन करनी है तो उसे किस तरह से इफेक्टिवली आप कर सकते हो, किस टाइप का कंटेंट होना चाहिए, किस टाइप का डिजाइन होना चाहिए और इस कंटेंट और इस डिजाइन की मदद से किस तरह से आप ज्यादा से ज्यादा लीड जनरेट कर सकते हो फेसबुक एड रन करने के बाद, इन स्ट्रेटेजीज को मैं काफी स्टेप बाय स्टेप और डिटेल में डिस्कस करने वाला हूं। तो अगर आपको भी इस पेंडेमिक सिचुएशन में इंटरनेट के माध्यम से अपनी टीम में काफी प्रोडक्टिव इंश्योरेंस एजेंट्स रिक्रूट करने हैं तो आज ही रजिस्टर कीजिए इस ऑनलाइन प्रेजेंस ट्रेनिंग प्रोग्राम को। इस ट्रेनिंग प्रोग्राम के जो डिटेल्स है मैं इस वीडियो के एंड में आपको दे दूंगा और इस ट्रेनिंग प्रोग्राम को रजिस्टर करने का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। उस लिंक को आप क्लिक कीजिए, आज ही उसको रजिस्टर कीजिए और अपनी टीम में काफी प्रोडक्टिव इंश्योरेंस एजेंट्स को रिक्रूट करना शुरू कर दीजिए। तो मैं आपको इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में जरूर मिलना चाहूंगा और इस ट्रेनिंग प्रोग्राम की डिटेल्स है ये।